डिपार्टमेंट की तरफ से शिव खोड़ी श्रावण महोत्सव 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे डिविजनल कमिश्नर सर, जो कि शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और आज सर की गाइडेंस में और डीसी मैम के निरंतर प्रयासों की बदौलत यहां इतना बड़ा समारोह शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत श्रावण के हर सोमवार यहां विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें कि शिव पुराण की कथा, हवन, यज्ञ, भजन प्रतियोगिता और अन्य कई कार्यक्रम रहेंगे। और मैं ये बड़ी खुशी से कहना चाहती हूँ कि 2022 में भी अगर हम शिव खोड़ी के जो पिलग्रिम टूरिस्ट हैं हमारे, वो 28 लाख रहे, और अब ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का ये कार्यक्रम, जो पहल हमारे डिविजनल कमिश्नर सर की गाइडेंस में हुई है, डेफिनेटली यहाँ पर टूरिस्ट नंबर तो बढ़ने जा ही रहा है, पर उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, जब शाम को यहाँ पे भक्ति में लीन होंगे, तो वो एक अलग ही यादें जो है वो लेके जाएंगे यहाँ से। और इसके साथ साथ बड़ी खुशी से मैं ये बताना चाहूंगी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसमें जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, उसमें रंसू भी बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिशन में है। ये आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है रंसू के रहने वाले लोगों के लिए। और उसके साथ साथ सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है वो निरंतर कार्यरत है कि हमारे जम्मू डिवीजन के जितने भी जिले हैं, उनमें जो भी पोटेंशियल है, चाहे एडवेंचर पोटेंशियल की बात करें, चाहे आप बात करें पिलग्रिमेज टूरिज्म की या हेरिटेज टूरिज्म की, वेडिंग टूरिज्म की, हम इस पे कार्यरत हैं कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की जो महत्ता है उस पे फोकस किया जाए। और बहुत सारे इवेंट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट की द्वारा जो है आयोजित किए गए, और उससे बहुत सारा फुटफॉल बढ़ा। और मैं आपको सबसे ज्यादा खुशी से ये बताना चाहूंगी कि जो 1.6 करोड़ हमारे जम्मू के डिवीजन का टूरिस्ट फुटफॉल था, उसमें 1 करोड़ के करीब जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट का है। तो एक बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, और हम कार्यरत है कि यही जो टूरिस्ट है उनको हम जो जम्मू की और भी बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, उसके साथ साथ अगर जैसे बारादरी में जो है वो राफ्टिंग हो रही है, धनवा मोखरी में जिप लाइनिंग हो रही है, तो इन चीजों की पब्लिसिटी और इनके इवेंट्स जो हैं उस पे हम लगे हुए हैं। और हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पर जब लोग आए वो सिर्फ होटल्स में ही स्टे ना करें, यहाँ के होम स्टे जो है उसमें भी एक अलग ही अनुभव एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म, और हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, हमारे जो खान पान है, दुग्गर खान पान है, जैसे दुग्गर धानी है, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे रूरल लाइवलीहुड मिशन की भी, और उसके साथ साथ टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाने की, और हमारे जम्मू का जो कल्चर है उसको शोकेस करने की। तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ के लोगों को कि पिछले दिनों हमने होम स्टे का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया था, जिसमें थोड़ा सा यहाँ से परसेंटेज जो पार्टिसिपेशन की थी वो थोड़ी कम थी। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि जो J&K गवर्नमेंट ने ये होम स्टे पॉलिसी 30 जून 2022 को शुरू की थी, अगर आज हम जो होम स्टे रजिस्टर हुए हैं उसकी फिगर आपको बताएं सिर्फ जम्मू डिवीजन की, तो वो करीब जो है 220 को टच कर रही है, और 9000 के करीब जो होम स्टे हैं वो इस टाइम रजिस्ट्रेशन के मोड में है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि जो हमारी ऑनलाइन www.tourismjk.in इस साइट पे जो है वो अप्लाई करें, और इसके अलावा जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-890-8457, इसकी मदद आप ले सकते हैं। डायरेक्टरी कार्यरत है, आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। डीसी मैम की विजन बहुत ज्यादा है इसमें, और मैम हमेशा फैसिलिटेट करती है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ होम स्टे बिजनेस शुरू करें, और होम स्टे पॉलिसी के तहत मिनिमम एक भी कमरा अगर आपके पास है जिसमें कि अटैच बाथरूम है या सेपरेट बाथरूम आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम 4 कमरे जो है उनको आप जो है होम स्टे बिजनेस में लगा सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जब आप रजिस्टर होंगे, जो ऑल इंडिया का निधि प्लस पोर्टल है, उस पोर्टल में जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके होम स्टे की ऑटोमेटिक मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी ओयो गो आईडीओ के थ्रू मार्केटिंग जो है वो हम फैसिलिटेट करवाएंगे, हमारी वेबसाइट पे आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी। तो आने वाले वक्त में जब यहाँ पे होम स्टे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, और
पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ साथ लोग और भी एक्टिविटीज यहाँ पे जो है उनको एंजॉय कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है युवा को एंगेज करना। यहाँ का जो यूथ है वो बहुत कैपेबल है, इस तरीके से और एज एडवेंचर टूर ऑपरेटर वो बहुत अच्छी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ कोई केस स्टडी की बात करूं तो दो चार पांच जो हमारे डिटेल में मैं अगर बताऊं उनकी इनकम तो 1 लाख एवरेज आती ही आती है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होमस्टे की जो है वो आप लोगों की तरफ से आएगी। सर इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने रिसेंटली 39 पिलग्रिमेज सर्किट आइडेंटिफाई किए हैं जो कि टूरिस्ट को उनको उनके साथ पूरा अवगत कराया जाएगा और 37 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जिन पे काम हो रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। एडवेंचर ट्रैक्स 38 हैं, तो हम इस पे लगे हुए हैं बट हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, लोकल स्टेक होल्डर्स की और PRI मेंबर्स की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें आने वाले वक्त में रियासी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सपोर्ट मिले। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगी अमरनाथ दर्शन जो इस टाइम यात्री करने आए हैं जम्मू में, इस टाइम जम्मू दर्शन की फैसिलिटी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है जिसमें बसेस उनको परमंडल, उत्तरबैनी, सुमिनसर, मानसर, सुचेतगढ़ और अखनूर लेके जा रही है और वो लोग बहुत अच्छे यादें जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं।